हे वेलकम बैक आई एम वो धर्मेंद्र सर फ्रॉम डीएसएल इंस्टीट्यूट डॉक्टर नगर दिल्ली मेरे प्यारे दोस्त आज का वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाला है आज जो हम लोग सीखने जा रहे हैं ना ये बिल्कुल ही अल्ट्रा यूनिक है इसको आप बहुत बारीकी से ना आप समझो मैं कहना क्या चाहता हूँ आप किसी न किसी एग्जाम की तैयारी करते हो एस एस सी जुडिशरी यानी कोई भी एग्ज़ाम आप तैयारी करते हो और तैयारी में आपको करेंट पढ़ना होता है करेंट से जुड़ना होता है जूझना होता है उसके लिए क्या होता है कि हमेशा कंप्लेन करते हो कि सर करेंट तैयार नहीं होता हम काम नहीं कर सकते बेसिकली मैं बात आज करने वाला हूँ कि न्यूज़ पेपर पे कितना टाइम दें और न्यूज़पेपर में क्या पढ़ें और न्यूज पर कैसे पढ़ें कि वो मेरा करेंट तैयार हो जाए यूपीएससी में आप करेंट का हमेशा रोनर होते हो यूपीएससी यूपीपीसीएस स्टेट पीसीएस जितने भी आपके एग्जाम होते हैं सारी एग्ज़ाम में आप हमेशा कंप्लेनिंग होते हो कि सर करेंट नहीं बन पाता हमेशा टीचर के पास लेकर जाते शिकायत कि सर करेंट कैसे तैयार करें और कैसे एग्जाम में करेंट बढ़िया कर करके आए तो मैं आपके साथ आज आप मेरे से मिल करके आप मेरे साथ जुड़ करके आप बात करो और मेरे साथ ये पूरा वीडियो बने रहो और देखो कि जो एक एक पॉइंट में दे रहा हूं उस पॉइंट से आपको कितना हेल्प मिलता है न्यूज़ पर पढ़ने में और फिर देखो आज से ही आपके साथ बिल्कुल बिल्कुल ड्रामेटिकल चेंज होने वाला है आपका लाइफ और आप देखोगे फील करोगे कि इस वीडियो को देखने के बाद आपका नजरिया आपका सोचने का तरीका और न्यूज़ पर जैसे ही हाथ में आएगा आपका तरीका बदल जाएगा और आप फील करोगे कि सर ने एक अच्छा पॉइंट दिया है और मज़ा आ जाएगा बस एक बार देखो सबसे पहले जानो कि न्यूज पेपर पे कितना टाइम देना चाहिए दूसरी बात आप ये डिपेंड करता है है कि आपका मीडियम आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट से या इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं ये डिपेंड आप पे करता है मैं दोनों पे बात करूंगा अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं तो आपको पेपर कौन सा ले जान लो आपको द हिंदू या फिर इंडियन एक्सप्रेस ये दो पेपर में से कोई एक या दोनों भी रख लो अगर पैसे हैं दोनों रख लो नहीं तो कोई एक पेपर आप अपने पास रखना होना चाहिए जब अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं तो क्या बताया हमने एक द हिंदू ले लो या फिर एक इंडियन एक्सप्रेस ले लो उसमें से क्या पढ़ना चाहिए बताऊँगा आपको लेकिन पहले जान लो अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं तो आपके पास जनसत्ता होना चाहिए एक होना चाहिए जागरण होना चाहिए राष्ट्रीय संस्करण या फिर आप भास्कर हालांकि भास्कर भी आप देख देख सकते हो लेकिन ज्यादा बढ़िया रहेगा कि आप जागरण का राष्ट्रीय संस्करण पढ़ लें या फिर आप जनसत्ता देख लें ये दो पेपर आपके पास होना चाहिए अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो लेकिन मैं आपको सलाह दूंगा क्योंकि हिंदी में बहुत सारे न्यूज कैप कर जाते बहुत सारे न्यूज अच्छे से नहीं आते तो आप चाहो तो अपना अंग्रेजी स्ट्रांग करके अपना डी एस अंग्रेजी के लिए आई अंग्रेजी स्ट्रांग कर कर करके आप थोड़ा सा उसमें क्या करो कि अंग्रेजी का थोड़ा सा बढ़िया सा वो कैम तैयार करके और बढ़िया से ग्रामर समझ करके और इंग्लिश की लैंग्वेज को समझ करके आप द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस पर अगर फोकस करें तो अच्छा रहेगा साथ साथ हिंदी भी देखते रहें इसके साथ साथ आपको करना क्या है कि न्यूज़ टीवी में देखना है और रेडियो से सुनना भी है इससे होगा क्या कि एक न्यूज़ आपके दिमाग में बार बार स्ट्राइक करेगा अब प्रश्न उठता है कि न्यूज़ पेपर पर कितना टाइम देना चाहिए कोई भी न्यूज़ पेपर आप जब पढ़ रहे हो तो आप पढ़ने के क्रम में एक टाइम बाउंड मत करो आप देखो कि आज का न्यूज क्या जैसे मान लो हमने हिंदू लिया तो आपको देखना क्या है कि आज का न्यूज क्या इंपॉर्टेंट है कितने देर का ये पार्ट है तो पहले तो पूरे पेज को एक बार पलट करके शुरू से लेकर लास्ट तक आप देख लें कि इसमें कौन कौन सा पार्ट है तो आपका आई जो है वो बिल्कुल कैची होना चाहिए कोई न्यूज़ मेरे सीधा पकड़ना होना चाहिए कि भाई ये चीज़ है जैसे मान लो हमने जागरण का लिया तो आपको पहले एक बार पूरे पेज को आगे से पीछे से बीच से पूरे पेज को पलट करके एक बार देख लो कि कौन कौन से पार्ट कौन कौन से चीज़ इसमें महत्वपूर्ण है जो मुझे पढ़ने लायक है तो पहले आपको बर्थ रीडेबल बर्थ रीडिंग का पार्ट चुन लो कि आपको कौन पढ़ा जाना चाहिए और कितना देर टाइम देना चाहिए उसके हिसाब से काम होगा इसके साथ साथ आप एक फाइल ले लें एक ले लें फाइल पहले मैं आपको इंस्ट्रूमेंट दे रहा हूं क्या क्या औजार चाहिए पढ़ने के लिए आपको तो एक कॉपी बना लें कोई कॉपी सस्ता सा ले लें कॉपी लेने के बाद जो पार्ट इसमें महत्वपूर्ण लगे समझना पड़ेगा गौर से जो टॉपिक लगे कि महत्वपूर्ण है यह टॉपिक बिल्कुल ही यूपीएससी में स्टेट में पूछे जाने वाला है उस टॉपिक को काट और काट करके उस कॉपी में आप उसको चिपका लें जब चिपका लेंगे फाइल तो एक आपको पेपर का फाइल बनकर तैयार हो जाएगा ये तैयार हो गया आपका अब आपने क्या किया कि पूरा पेपर का फाइल तैयार हो गया अब तैयार होने के साथ साथ जब पढ़ाई कर रहे हो तो उसमें पूरा पार्ट को जो जो पार्ट महत्वपूर्ण कर लें अब एक साथ आपके पास न्यूज है नेशनल इंटरनेशनल इसके साथ साथ इकोनॉमिकल पॉलिटिकल जियोग्राफिकल यही पार्ट होते हैं अब इतने पार्ट हैं अब इतने पार्ट में आप मीडियम चाहे आपका हिंदी हो चाहे मीडियम अंग्रेजी है इसी माध्यम से आपको पेपर में लेने के बाद आप एक साइड में नेशनल इसके साथ एक कॉपी भी रखें एक तो आपने चिपका दिया चिपकाने के साथ एक शॉर्ट नोट का कॉपी रखें और कॉपी रखने के साथ साथ आप क्या करें कि शॉर्ट नोट शॉर्ट नोट बनाने के लिए एक जैसे आपने नेशनल नेशनल के लिए आप एक कॉपी ले लिया आपने इतना मोटा सौ पेज का जिसमें आपने बीस पच्चीस पेज छोड़ दिया नेशनल के लिए बीस पच्चीस पेज इंटरनेशनल के लिए 20-25 पेज 10-15 पेज छोड़ दिया पॉलिटिकल के लिए 10-15 पेज छोड़ दिया हिस्टोरिकल के लिए 10-15 पेज छोड़ दिया ज्योग्राफिकल के लिए आपने हर पूरे कॉपी में एक बढ़िया से उसमें एक लाल टेप लगा करके आपने इस कॉपी को चार पाँच से एक बना दिया आपने प्ले के लिए गेम्स और स्पोर्ट्स के लिए एक बना लिया आपने इस तरह से आ, आर्ट एंड कल्चर के लिए तो इस तरह से पूरे कॉपी को आपने फ्रेम कर लिया उस कॉपी में दस दस बीस पेज लेकर के आपने पूरे कॉपी में दस पंद्रह पार्ट बना लिया जो कर, आप समझना बढ़िया से क्योंकि पेपर में बहुत सारे बच्चे को पता ही नहीं होता कैसे पढ़ना चाहिए क्या यूज़ करना चाहिए कितना टाइम देना चाहिए हर चीज़ आप आपसे आज डिस्कस करने वाला हूँ तो आपने उस कॉपी को पूरा बढ़िया से हाईलाइटर हाईलाइट करके हर दस पन्ने पर एक टॉपिक आपने डाल दिया उस टॉपिक को डालने के बाद आपने नेशनल यूज, उठाया लो आज। तो नेशनल यूज में आज के दिन में जो महत्वपूर्ण लगा चिपका तो लिया आपने इसके साथ साथ जो इंपॉर्टेंट लगा उसको आपने बढ़िया से नोट डाउन कर लिया अब नोट डाउन करने के साथ तुरंत मैप निकाल लो जैसे मान लो तमिलनाडु का न्यूज है तुरंत आपने मैप निकाला और मैप निकाल करके पूरा तमिलनाडु का हिस्टोरी हिस्ट्री तमिलनाडु का पॉलिटी तमिलनाडु का इकोनॉमी तमिलनाडु के आसपास का स्टेट और पूरे के बारे में आइडिया तो हर चीज़ आपने मैप के थ्रू उसको मैप कर लिया किस आस पास के स्टेट कौन से हैं इसके जो है स्टेट का खासियत क्या है इस स्टेट के बारे में कुछ आजकल में कोई पोलिटिकल मुद्दा तो नहीं हुआ आजकल में कोई जोग्राफिकल मुद्दा तो नहीं हुआ आजकल में कोई इकोनॉमिकल मुद्दा तो नहीं हुआ तो यू में ख़ास करके यू पी या कोई भी एग्ज़ाम होता है उसमें ख़ास करके वही टॉपिक पूछा जाता है जो उछाल पे होता है और हम लोग उसको ध्यान देते ही नहीं है कैसे पढ़ना चाहिए ध्यान देते ही नहीं है तो आप मैप के माध्यम से उसको हर चीज को हाईलाइट कर लीजिए जब आपके पास लिखा रहेगा तो रिविजन करने में आपको आसानी होगी जब आपका एग्जाम होगा सेम पैटर्न पे आपने टॉपिक लिया इंटरनेशनल का इंटरनेशनल टॉपिक लिया अब इंटरनेशनल में क्या करना है कि मान लो आपको कोई टॉपिक मिल गया सऊदी अरब का कोई टॉपिक मिल गया तजाकिस्तान का कोई टॉपिक मिल गया उज्बेकिस्तान का अब उज्बेकिस्तान तजाकिस्तान अब उस टॉपिक को लिया उस टॉपिक के बारे में कुछ एक एक्स्ट्रा है कहीं मान लो मोदी जी हमारे गए हुए हैं वहाँ पे उन्होंने कोई डील साइन किया है वहाँ का जोग्राफिकल क्या है वहाँ का पॉलिटिकल क्या है इकोनॉमिकल क्या है आसपास का स्टेट का क्या बाउंड्री क्या है उस बाउंड्री से ख़ास कोई विवाद तो नहीं है तो आप मैप निकालो न्यूज़ पेपर ऐसे नहीं पढ़ना है साहस के पास एटलस होना चाहिए यानी एटलस के माध्यम से मैप के माध्यम से आपने देख लिया कि भाई ये कहाँ कहाँ से होकर जाता है इसके आसपास का स्टेट कौन सा है कंट्री कौन सा है वहाँ से कोई रेखा विश्वत रेखा तो गुजरता वहाँ से कोई रेखा तो नहीं पार हो रहा है वहाँ पे आसपास का जोग्राफिकल क्या है कोई इशू तो नहीं है कोई विवाद तो नहीं है एक देश से दूसरे दो देश में कैसा आवागमन हो रहा है तो आप उस मैप के माध्यम से आप उसके नदी उसके नहर उसके सी कोई चीज़ हो वहाँ से कोई रोड बना रहा हो कोई देश वहाँ से देश का कोई मुद्दा तो नहीं उठ यानी कि आप जब पेपर हो और कोई विदेशी मुद्दा हो कोई आप जो है फॉरेन कंट्री की बात कर रहे हैं कोई उस तरह के उज्बेकिस्तान तजाकिस्तान की बात हो रही है किसी भी कंट्री की बात हो रही है किसी भी कंट्री चाइना की बात हो रही है तो आप एटलस मैप के माध्यम से आप क्या करें कि उसको एक बाइफ्रकेट कर लें कि इस देश से इस देश में कोई इकोनॉमिकल कोई पॉलिटिकल मुद्दा हो तो उसको आप अलग से नोट कर लें कोई देश सटा हुआ हो तो उसको नोट कर लें कोई देश में संधि चल रहा हो उसको नोट कर लें वहां का क्या मुद्रा है वो भी नोट कर लें क्योंकि अगर उस देश में कोई हलचल हुआ है तो यूपीएससी स्टेट पीसीएस वहीं से उठाएगा अब वहीं से उठाएगा और वहीं से क्वेश्चन पूछेगा तो आपको लगेगा कि क्वेश्चन पूछा सुना सुना लग रहा है कभी सुना है और वहां चार ऑप्शन देगा तो आप फ्यूज करके गलत आंसर पे आप चले जाते हो और आपका आंसर गलत हो जाता है मेरे दोस्त मैं नहीं चाहता कि आपका आंसर गलत हो मैं चाहता हूं कि आपका आंसर हंड्रेड परसेंट राइट हो इस तरह से आप मैप के माध्यम से आप स्टडी करेंगे एक साथ ज्योग्राफिकल तैयार होगा पॉलिटिकल तैयार होगा हिस्टोरिकल तैयार होगा और चूंकि आप अब एग्जाम में यह नहीं पूछता कि धारा इतना में क्या है ज्योग्राफी में क्या है अब आपका ऐसे ही इससे आपका ज्योग्राफी भी तैयार हो रहा है पोलिटी भी तैयार हो रहा है हिस्ट्री भी तैयार हो रहा है और साथ साथ करेंट भी तैयार हो रहा है तो आप जब कोई टॉपिक पढ़ो तो उसके दाएं, बाएं, ऊपर नीचे जरा झांको कि क्या हो सकता है और हमेशा जब भी पेपर पढ़ें तो साथ में इटलस और मैप और दो तीन नोट पैड जरूर रखें ताकि आपको नोट करना पड़े काट के चिपकाना पड़े और आप एक पेपर को पढ़ने में अगर पेपर में मजेदार कुछ आया है तो एक से दो घंटे का टाइम दीजिए अगर लगता है कि आज कोई न्यूज़ नहीं है तो आधे घंटे फटाफटा दीजिए पहला पेज आपको आपको किसी काम का नहीं लगेगा जैसे कोई न्यूज आप पढ़ रहे हो कोई नेशनल न्यूज़ आपको मिला कोई आपको लगा कि कुछ नहीं बस जानकारी का इतने लोग मारे गए इसको पढ़ने की जरूरत क्यों क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो फलाने लड़का फलाने लड़की के साथ भाग गई इसको पढ़ने का क्या मतलब है भाई उस लड़के ने इतने को एक कांड हुआ वो कांड हुआ ये रेप हुआ वो यही सब चीज़ पर टाइम मजा आता है आपको आप इसी पे तो टाइम वेस्ट कर देते हो अब बोलते सर हम पेपर पढ़ते ये घंटा टाइम कटता ही नहीं ये सब पढ़ना ही नहीं है आपको उल्टा पुलटा क्यों पढ़ना क्या मतलब है किसका क्या मर्डर हुआ क्यों पढ़ना है जरूरत नहीं आपको आपको ये सब का नहीं रखना तो कोई कोई तो डेली डेली कोई 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 मरेगा जन्म लेगा ये सब चीज आपको नहीं जानना आपको जानना है कोई राष्ट्रीय मुद्दा हुआ है आपको जानना है कोई अंतरराष्ट्रीय मुद्दा हुआ है आपको ये सब जानना है लॉलीपॉप नहीं ये सब कार्ड पिक रखना आपको क्या पढ़ो आप हिंदू में एडिटोरियल अगर कुछ मिल रहा है तो वहाँ से ज्ञान लो एडिटोरियल से आपको कॉम्प्रिहेंशन में हेल्प मिलेगा एडिटोरियल से बैंक पीओ के कॉम्प्रिहेंशन में हेल्प मिलेगा एडिटोरियल पढ़ोगे हिंदू का टाइम इंडियन एक्सप्रेस का तो वहाँ से आपको राइटिंग अप्रोच में हेल्प मिलेगा और कुछ करेंट का मुद्दा भी मिल जाएगा इसके साथ साथ आप न्यूज़ आप देखो कि हिंदू में थास्ते के दिन कुछ जो है इकोनॉमिकल न्यूज अच्छा आता है वो देख लो तो कुछ आप इस पर पोलिटिकल मुद्दा तलाशो कि पोलिटिकल मुद्दा में कहाँ कहाँ हुआ है उस आर्टिकल को मान लो अभी तीन की मुद्दा बात की जा रही थी तीन में आपने मोदी जी ने कुछ हलचल किया तो आप 370 पे वो मतलब तीन सौ क्या था उसके अंदर और क्या क्या प्रोविजन पे बात नहीं हुई है क्या क्या बात नहीं हुआ है क्या क्या अमेंडमेंट नहीं हुआ है क्या क्या चेंज नहीं हुआ बस उसको आप राइट डाउन करो जो सब जानता है वो आप भी जानते हो लेकिन जो कोई काम नहीं करता वो आपको करना है भेड़ चाल में नहीं चलना हर व्यक्ति पेपर खरीद लिया शौक के तहत नाइनटी परसेंट लोग पेपर इसलिए खरीदते हैं कि पेपर खरीदना चाहिए नाइन्टी परसेंट लोग पेपर इसलिए पढ़ते हैं कि पेपर पढ़ना चाहिए लेकिन एग्जाम के लिए कोई नहीं पढ़ता सब लोग बस पढ़ना चाहिए पेपर खरीद लिया और पेपर पलट के देख लिया ये हो गया जी आज इसमें इतने लोग मारे गए फलाने ने फलाने को लेकर भाग गया इतने लोग उड़ गए इतने लोग जादूगर ने दिखा दिया यहाँ पे गाय दो, दो भैंसें मारी गई दो गाय मृ मर गया इसी में लोग परेशान हैं आपको चूजी बनना है टाइम वेस्ट ज़्यादा नहीं करना है और आपको पेपर पढ़ने के लिए नहीं पढ़ना है आपको एग्जाम के लिए पढ़ना है पेपर को करेंट बनाना है आपको करेंट का मुद्दा लेना है और तब आप देखो कि आपके साथ कैसे चमत्कारी घटना घटती है तो आपको हमने क्या कहा कि पेपर जब भी पढ़ें तो अपने साथ ए रखें मैप रखें और दो तीन नोट रखें और इसके साथ साथ जो खास बात है कि पेपर में आप जब कोई भी मुद्दा आज राष्ट्रीय मुद्दा तो पूरा छानबीन कर लेना है और फिर आप देखो कि आपको पढ़ने का तरीका आज से और अभी से बदल जाएगा तो पेपर का नाम बता दिया हमने उसको पेपर खरीदिए और आज से पढ़ने का प्रयास कीजिए और जहाँ का भी दिक्कत हो आप मुझे कमेंट करें और जब आप लाइक करते हो ना तो मुझे अच्छा लगता है कि आपने देख लिया है तो इस तरह से लाइक और शेयर उनको जरूर करिए जो बच्चे तैयारी करते हैं यू का चूँकि कर भला तो हो भला अगर आपने अपनी मदद कर ली तो फिर और बच्चों को मदद करिए और इसको शेयर करिए ताकि वो आप सलाह देंगे तो आपकी बात नहीं मानेगा लेकिन आप वीडियो दिखा देंगे ना तो उसे यकीन हो जाएगा कि वाकई ऐसे ही पढ़ना चाहिए ठीक है बच्चे फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में थैंक यू वेरी मच